भारतीय सिनेमा के पहले सुपरस्टार राजेश खन्ना, जिनके जन्म का नाम था जतिन खन्ना, इनका जन्म 29 दिसंबर सन 1942 में हुआ था। शहर था अमृतसर और राज्य पंजाब। ये जलते हैं, फूल खिलते हैं, ये जलते हैं, फूल खिलते हैं, बड़ी मुश्किल से मगर दुनिया में दोस्त मिलते हैं। जतिन खन्ना को सभी लोग प्यार से काका कह के पुकारा करते थे। हालांकि इनके माता पिता का नाम था लाला हीरानंद और माँ चंद्रानी खन्ना। इनके पिता लाला हीरानंद एक हेडमास्टर की तरह काम करते थे एमसी हाई स्कूल बुरेवाला में, जो कि अब पाकिस्तान में है। बाद में इनके नजदीकी रिश्तेदारों ने इन्हें गोद लिया। नाम था चुन्नीलाल खन्ना और लीलावती खन्ना। और तब इनके नए माता पिता बतौर रेलवे कॉन्ट्रैक्टर काम किया करते थे, जो कि सन 1935 में लाहौर से मुंबई आ गए थे। राजेश खन्ना साहब सरस्वती निवास में रहा करते थे, जो कि मुंबई के गिरगांव इलाके के ठाकुर द्वार में है। काका जी ने सेंट सेबेस्टियन गोवन हाई स्कूल से अपनी पढ़ाई की। वहाँ पे इनकी मुलाकात रवि कपूर से हुई, वही रवि कपूर जो आगे जाकर जितेंद्र बने। स्कूल और कॉलेज के दिनों में ही ये नाटक किया करते थे और कई मर्तबा इन्हें इंटर कॉलेज ड्रामा कंपटीशन में अवार्ड से भी नवाजा गया। बारिश की बूंदों से डरने वाले तूफान का मुकाबला नहीं कर सकते विपिन बाबू। ऐसे ही एक नाट्य कंपटीशन के दौरान जज ने इनसे कहा था कि तुम्हें फिल्मों में ट्राई करना चाहिए। बस अपने कॉलेज के दिनों में ही राजेश खन्ना साहब ने मन बना लिया कि अब वो फिल्मों में कोशिश करेंगे। डेफिनेटली सर। हालांकि नवरोज जी वाडिया कॉलेज पुणे से इन्होंने अपनी बैचलर डिग्री का कार्यक्रम शुरू किया था, पर पहले 2 साल के बाद ही ये केसी कॉलेज मुंबई में आ गए और तब इनके अंकल के खन्ना ने इनका नाम जतिन से राजेश कर दिया। समझ गया। ये बात भी गौर करने लायक है कि राजेश खन्ना साहब एक टैलेंट हंट का हिस्सा थे। उस जमाने में यूनाइटेड फिल्म प्रोड्यूसर्स एक टैलेंट हंट किया करते थे, जिसमें राजेश खन्ना अव्वल आए और इस विजय की वजह से काका जी को बीआर चोपड़ा, बिमल रॉय, जीपी सिप्पी, एचएस रवेल, नासिर हुसैन, जे ओम प्रकाश, मोहन सैगल और शक्ति सामंता जैसे जबरदस्त प्रोड्यूसर्स के सामने परफॉर्म करने का मौका मिला और विजयी होने पर इन्हें कॉन्ट्रैक्ट दिया गया। जिसे खुदा पे यकीन हो गया उसे इंसान पे यकीन हो गया, और ये पठान आपके यकीन पे कभी आंच नहीं आने देगा। 1966 वो साल आया जब राजेश खन्ना साहब ने शुरुआत की। फिल्म थी आखिरी खत, जिसे चेतन आनंद साहब ने डायरेक्ट किया था, और बाद में इन्हें मिली फिल्म राज, जो कि रविंद्र दवे ने डायरेक्ट की। इनकी फिल्म आखिरी खत भारत की तरफ से ऑस्कर्स में बेस्ट फॉरेन लैंग्वेज फिल्म में पहली एंट्री थी। ये बात भी मशहूर रही, क्योंकि राजेश खन्ना साहब ने बतौर हीरो ये कॉन्टेस्ट जीता था, इसीलिए मनोज कुमार साहब की फिल्म उपकार में ये साइड हीरो की तरह नजर नहीं आ पाए और वो रोल बाद में मिला प्रेम चोपड़ा साहब को। ओए नामुराद, तुम आशिक को बकवास बोलता है, अरे जो इश्क करता है उसे खुदा मिलता है। इनके अभिनय की तो तारीफ हो रही थी, पर इनकी फिल्में बॉक्स ऑफिस पर कोई खास कमाल नहीं दिखा पा रही थी। तभी जबरदस्त फिल्म प्रोड्यूसर डायरेक्टर शक्ति सामंता ने इन्हें एक ऐसी कहानी ऑफर की, जिसे सुनने के बाद इन्होंने मना किया और कहा कि इस फिल्म में तो मेन रोल हीरोइन का है, मैं क्या करूंगा। शक्ति सामंता ने बड़ा समझाया और राजेश खन्ना मान गए। इस फिल्म में इन्होंने ऐसा अभिनय किया कि एक नहीं दो दो राजेश खन्ना नजर आए और फिल्म इंडस्ट्री को मिला पहला सुपरस्टार। जी हाँ, ये फिल्म कोई और नहीं, ये रही आराधना। नदिया से दरिया से सागर से गहरा जाम, सागर से गहरा जाम, हो जाम में डूब गई यारो मेरे जीवन की हर शाम।
राजेश खन्ना साहब की जोड़ी शर्मिला टैगोर के साथ खूब सराही गई। बाद में आशा पारेख और मुमताज के साथ भी इनका नाम खूब चमका। मेरा सब तेरे हाथ के साथ जुड़ गया। तनुजा के साथ भी इनकी जोड़ी को खूब सराहा गया, खास तौर पे फिल्म मेरे जीवन साथी में। तो बहुत खूबसूरत है री। इन्होंने वो दीवानगी देखी जो किसी और सुपरस्टार ने नहीं देखी है। इनके फैंस इनकी गाड़ियों को किस किया करते थे। जिस जगह से इनकी गाड़ी निकलती, लड़कियां उस धूल से अपनी मांग भर लिया करती थीं। अरे, इसमें शर्माने की क्या बात है? बहुत सी लड़कियों ने राजेश खन्ना की फोटोग्राफ से ही अपनी शादी की। एक साथ 15-16 सुपर हिट्स देने के बाद राजेश खन्ना का कोई मुकाबला नहीं था। बड़े बड़े हीरोज की कुर्सी इन्होंने हिला के रख दी थी। जबरदस्त डायरेक्टर ऋषिकेश मुखर्जी की फिल्म आनंद में राजेश खन्ना ने ऐसा अभिनय किया कि हंसाया भी और रुलाया भी। विकी, माँ बहन घर बार छोड़कर मैं इतनी दूर झोपड़पट्टी में क्यों पड़ा हूँ? तू मेरी जान से भी ज्यादा प्यारा है रे। उस दिन मैंने तेरे आंखों में आंसू देखे थे और जो कमबख्त तेरी आंखों में आंसू लाएगा मैं उसे चैन से जीने नहीं दूंगा। ये हाथ सख्त नहीं रे और मजबूत हो गए हैं, अगर इन्हें कोई अलग भी करना चाहे तो नहीं कर सकता। और इशिदा के साथ फिल्म नमक हराम को कौन भूल सकता है, जिसमें इनके साथ सपोर्टिंग भूमिका में थे अमिताभ बच्चन। वाह वाह, इसे कहते हैं गाना। अच्छा गा लेता है यार तू। मेरे लिए तो बड़े गुलाम अली, छोटे गुलाम अली, सब तू ही। अरे नहीं नहीं, ऐसे मत बोल। क्यों? अरे अभी तो लोग सिर्फ मुझे तेरा चमचा बोलते हैं, अगर ये सब कुछ सुनेंगे तो तुझे मेरा चमचा बोलेंगे। अरे बोलने दो यार, तेरा चमचा बोलते हैं ना, किसी के बाप का तो नहीं। राजेश खन्ना ऐसे सुपरस्टार बने थे कि बड़े से बड़ा म्यूजिक डायरेक्टर इनकी फिल्मों में संगीत दे रहा था, चाहे वो एस डी बर्मन रहे या फिर आर डी बर्मन और लक्ष्मीकांत प्यारेलाल। मैं शायर बदनाम, मैं शायर बदनाम, ओ मैं चला, मैं चला महफिल से नाकाम, ओ मैं चला, चला। यहाँ तक कहा जाने लगा था कि ऊपर आका और नीचे काका। राजेश खन्ना साहब का प्रेम संबंध रहा उस जमाने की मशहूर मॉडल और अभिनेत्री अंजू महेंद्रू के साथ। ये रिश्ता आगे चला पर उसके बाद इसमें दरार आई। अंजू महेंद्रू से अलग हो जाने के बाद राजेश खन्ना साहब की शादी हुई डिंपल कपाड़िया से। इन दोनों की उम्र में लंबा फासला था। शोला उल्फत का भड़का के मेरे दिल में आग लगा के ना तरसाइए। हम तो कब से हुए तुम्हारे चुपके लाज शर्म के मारे जी फरमाए। मार्च 1973 में डिंपल कपाड़िया के साथ राजेश खन्ना ने शादी की थी। जब राजेश खन्ना ने डिंपल कपाड़िया के साथ शादी की तब फिल्म बॉबी का निर्माण पूरा भी नहीं हुआ था और डिंपल कपाड़िया इतनी बड़ी सुपरस्टार बनेंगी इसका किसी को भी अंदाजा नहीं था। इस शादी से इन्हें दो बच्चे हुए, बेटी ट्विंकल खन्ना और रिंकी खन्ना। बाद में इनके दामाद बने सुपरस्टार अक्षय कुमार। एक फिल्म ऐसी भी आने वाली थी जिसमें राजेश खन्ना और डिंपल कपाड़िया बतौर हीरो हीरोइन नजर आते। फिल्म का नाम था जय शिव शंकर। पर एक दो दिन तक ही इस फिल्म की शूटिंग हुई और ये फिल्म फिर डिब्बे में बंद हो गई। अपनी अदाओं से, अपनी डायलॉग डिलीवरी से राजेश खन्ना ने इतना गहरा असर छोड़ा था कि बड़े से बड़े एक्टर इनकी तारीफ करते ना थकते। जवाब नहीं तेरा प्यारे, शुरुआत अच्छी की तूने। अरे ये तो शुरुआत आ गया कि देखो क्या होता है। क्या? क्या? बॉक्स ऑफिस के उतार चढ़ाव राजेश खन्ना ने देखे और उसके बाद राजनीति का दामन इन्होंने थाम लिया।
ये कांग्रेस पार्टी की तरफ से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट चुनकर आए। काका जी टेलीविजन पे भी नजर आए और फिल्मों में भी, चाहे वो हेमा मालिनी रही कि शर्मला टैगोर, शमाना आजमी रही कि मुमताज, हर हीरोइन के साथ ये फिल्म्स करते रहे। मैं चाहता हूँ। क्या चाहते हो? कि तुम मेरे पास रहो। और मैं तुम्हें हमेशा देखता रहूं। काका जी को 3 बार बेस्ट एक्टर अवार्ड से नवाजा गया और फिर इन्हें फिल्म फेयर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से नवाजा गया। भारतीय डाक सेवा ने 3 मई सन 2013 को इनकी याद में एक डाक टिकट भी जारी किया और मुंबई के गिरगांव इलाके में एक चौक का नाम भी सुपरस्टार राजेश खन्ना चौक रखा गया। शुक्र खुदा का सेठ जी, उसने हमको इतना इज्जत और मोहब्बत देने वाले मालिक का खिदमत करने का मौका दिया। ये बात भी गौर करने लायक है कि फिल्म दीवार पहले इन्हें ऑफर की गई थी और जबरदस्त लेखक जोड़ी सलीम जावेद को इन्होंने मौका दिया था अपनी फिल्म हाथी मेरे साथी के जरिए। सन 2012 में वो वक्त आया जब पता चला कि इनकी बीमारी बढ़ती जा रही है। कई बार इन्हें हॉस्पिटल में एडमिट किया गया और फिर 18 जुलाई सन 2012 वो घड़ी लेकर आया जब राजेश खन्ना साहब ने अपने बंगलो आशीर्वाद में दम तोड़ दिया। इनको अंतिम विदाई देने के लिए फिल्म इंडस्ट्री का एक हुजूम सामने आया। बड़े से बड़ा सुपरस्टार राजेश खन्ना की याद में रोया। काका जी की फिल्म आनंद का वो डायलॉग इन पे बिल्कुल फिट बैठ गया कि जिंदगी बड़ी होनी चाहिए, लंबी नहीं। 18 जुलाई सन 2012 को 69 साल का ये सुपरस्टार इस दुनिया को अलविदा कह गया। भारतीय सिनेमा के इतिहास में राजेश खन्ना जैसा सुपरस्टार ना था और ना ही होगा। महान प्रतिभाओं के जीवन के बारे में जानने के लिए सब्सक्राइब करें पीपल एंड हिस्ट्री।